ऐसे मसाले डालते हैं कि जो है अपने आप आदमी को पसंद होते हैं। ये बहुत अमेजिंग है, बहुत यमी है। मेरे को इतनी फैन नहीं हूँ चाट पापड़ी की, बट यहाँ खा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। स्पाइसी है एंड आई लव स्पाइसी फूड, तो बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू फ्रेश वीडियो। एक नए स्वादिष्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट भरत। तो यार आज मैं आ रहा हूँ श्री बालाजी चाट भंडार पे, जो आपका पड़ जाता है गुरुद्वारे के जस्ट अपोजिट साइड। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम मिल जाते हैं हमें खाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये है श्री बालाजी चाट भंडार। तो ये है इनका मेन्यू, गोल गप्पे 30 रुपये, दही बल्ले 50 रुपये, पापड़ी चाट 50 रुपये। तो ये कुछ मिल जाता है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी खा रखे हैं। एक कांजी बड़ा है यहाँ पे और एक है कलमी बड़ा। तो मैं सोच रहा हूँ कलमी बड़ा खाऊं, मेरा फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ कलमी बड़ा। तो देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पे अभी प्रिपरेशन चल रही है। अंकल एक कलमी बड़ा बनाना है। अंकल कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 160 साल। तो यार काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुकान है। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे भी एक को बना हुआ है। नीचे भाई कटोरी सब्जी रखी है, अभी लगी है। अच्छा अच्छा, आ रही है घर पे। अच्छा यहाँ पे सामान रखने के लिए बना रखा है ये? नहीं नहीं, कटोरी सब्जी लगती है दुकान है। अच्छा नीचे नीचे मतलब अलग दुकान है या एक ही दुकान है? एक ही दुकान है भाई, नीचे कटोरी सब्जी लगती है। अच्छा एक ही दुकान बता रहे हैं, नीचे कचौड़ी सब्जी लगती है और ऊपर ये चाट का कॉर्नर बना रखा है और 160 साल पुरानी दुकान बता रहे हैं अंकल जी। तो हम एक बना रहे हैं कलमी बड़ा, 50 रुपये का ये। अंकल कलमी बड़ा किस चीज़ का बनता है ये? कलमी बड़े चने का दाल का है, उसमें काली मिर्च साबुत धनिया उसमें पड़े होते हैं। अच्छा और एक है इसमें काजी बड़ा, जो काजी बड़ा ये होता है। अच्छा वो अलग होता है? हाँ वो अलग। ठीक है तो मैं एक कलमी बड़ा बना लेता हूँ अपने लिए 50 रुपये का। तो एक कर दीजिए अंकल, तो एक कलमी बड़ा बना देते हैं। तो यार आने वालों की लगातार लाइन लगी हुई है, आए जा रहे हैं। और ये आपका जस्ट गुरुद्वारे के जस्ट अपोजिट साइड पड़ जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे थोड़ा यूनिक कंसेप्ट ये लगा, नीचे कचौड़ी सब्जी लगती है और ये पूरी एक ही दुकान है और ऊपर चाट का है कॉर्नर। तो अंकल जी लगाते हैं और शायद नीचे एक भैया हैं, शायद उनके बेटे हैं आई थिंक, वो लगाते हैं। तो अपना ये कलमी बड़ा तैयार हो गया है। तो ये रहा अपना कलमी बड़ा जो कि 50 रुपये प्लेट है। तो अभी इसे खाते हैं फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है खाने में। तो यार इस दुकान का कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को। एक नीचे कॉर्नर बना के वहाँ पे कचौड़ियाँ और सब्जी मिलती है और ऊपर है चाट का कॉर्नर बना रखा है जो कि अंकल जी बेचते हैं और उन्हीं के शायद लड़के हैं जो कि नीचे बैठते हैं जो कचौड़ी और सब्जी देते हैं। तो यार मैंने गोलगप्पे ये आलू चाट ये सब खा के पहले भी काफ़ी बार, तो ये कलमी बड़ा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ। मुझे नहीं पता कैसा टेस्ट होने वाला है, तो देखता हूँ। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ खाने के लिए और मैं ही कैमरा पकड़ रहा हूँ तो वन मैन आर्मी वाला हिसाब है। तो चलो खाते हैं फिर आपको टेस्ट का बताता हूँ कैसा है। और 50 रुपये आपको प्लेट का पड़ जाता है कलमी बड़ा। तो चलिए फिर खाते हैं। तो यार देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये छोले डाले हुए हैं, ग्रीन चटनी है, रेड चटनी है। और ये अंकल जी ने जो बताया था मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा क्या बोला था अंकल ने। तो अभी इसको टेस्ट कर लेता हूँ फिर आपको टेस्ट के बारे में बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। काफ़ी ज़्यादा खट्टा है और स्पाइसी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बहुत स्पाइसी यार। अचार भी डाल रखा है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। कलमी वड़ा मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं खाया। काफ़ी क्रिस्पी है, स्पाइसी है और लाल चटनी और हरी चटनी दोनों का टेस्ट आ रहा है, मगर स्पाइसी काफ़ी है। मतलब जो स्पाइसी पसंद करता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैं स्पाइसी पसंद करता हूँ मेरे को सही लग रहा है, बट जो स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाता उसके लिए आप बोल सकते हो कि थोड़ा स्पाइसी कम करें। तो स्पाइसी तो काफ़ी हो रहा है। टेस्ट लाजवाब हो रहा है, बड़े हो रहा है। कलमी बड़ा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ मैं, मगर इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया। गोलगप्पे आलू चाट ये सब मैंने खाया हुआ है,
अंकल से पूछा भी था मैंने, अंकल आपकी दुकान का सबसे फेमस कौन सा है फूड, तो अंकल ने बोला था कि सारे ही लोगों को पसंद है, हर किसी की अलग अलग डिमांड आती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि गोलगप्पे हैं या चाट पापड़ी है, सब कुछ फेमस है। और जैसे बोलते हैं ना जो इंडिया का टेस्टी स्पाइसी फूड और जो इंडिया के ऑर्गेनिक मसालों का जो फ्लेवर है, तो वो सब इसमें मिल जाएगा आपको खाने में, कलमी वड़े में, तो काफ़ी टेस्टी हो रहा है खाने में। लिटरली यार बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, सही बोल रहा हूँ, और आपको ऐसे ही खाना जो जिसका इसका ओरिजिनल टेस्ट है ना, तो स्पाइसी ऐसा कुछ कम मत कराना, वैसे ही खाना जैसा आता है ये स्पाइसी, सीरियसली बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, ज़रूर ट्राई करना कलमी वड़ा। जो कलमी वड़ा होता है स्पाइसी आता है क्या? ओरिजिनल टेस्ट इसका स्पाइसी है, जैसे वो तो बनवाने को पर है, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं कि सबको पसंद है। हाँ तो मेरे को तो स्पाइसी पसंद है, तो मेरे को तो बहुत पसंद आया। तो ऐसे मसाले डालते हैं कि जो है अपने आप आदमी को पसंद होते हैं, किसी को कुछ मांगे। और अंकल आपकी दुकान का बड़ा वो है अलग सा हमेशा, नीचे कौन बैठता है? लड़का बैठता है। अच्छा आपके लड़के बैठते हैं नीचे, तो यार नीचे एक कचौड़ी की दुकान लगाते हैं नीचे आपके इनके लड़के, और ऊपर ये चाट मिल जाता है आपको यहाँ पे, तो काफ़ी अलग सा इंटरेस्टिंग था कंसेप्ट है यहाँ का। तो यार यहाँ पे हम जान लेते हैं इनसे कि इनको कैसा लग रहा है टेस्ट। बहुत अमेजिंग है, बहुत यमी है। मेरे को इतनी फैन नहीं हूँ चाट पापड़ी की, बट यहाँ खा रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, स्पाइसी है, आई लव स्पाइसी फूड, तो बहुत अच्छा। आपने क्या मंगा रखा है? ये मैंने मंगवाया है कचौड़ी चाट। अच्छा कचौड़ी चाट। आंटी आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है। तो यार मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, तो अच्छा फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आंटी लोग भी, तो मैंने तो अपने लिए कलमी वड़ा बनाया था, तो लिटरली मेरे को भी बहुत अच्छा लगा खाने में, तो एक बार जरूर ट्राई करना। मैं फिर से बता देता हूँ यहाँ का वेन्यू, एक आपका सामने गुरुद्वारा पड़ जाता है, जस्ट उसके सामने ही आपको पड़ जाता है श्री बालाजी चाट भंडार। तो यहाँ पे चार पांच आइटम है, ऐसा कुछ नहीं कि एक के लिए जाना जाता है, सारे ही फेमस है, तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा खाने में। आई होप यार आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसी किसी स्वादिष्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओवर एंड आउट।